एक अन्य प्रश्न में मित्र ने पूछा है, आर्ट ऑफ लिसनिंग में अपने रोम रोम को कानों में परिवर्तित कर लेना होता है, परंतु मानव मन ऐसा है कि उसे जो रुचता है उसे तो वो कानों द्वारा ग्रहण कर लेता है और शेष को बाहर ही छोड़ देता है। समग्र रूप से श्रवण कैसे किया जाए, कृपया इस बात पर कुछ कहने का कष्ट करें। समग्र रूप से सुनना संभव है समग्र होकर ही। तुम समग्र होगे और समग्र सुनना घटेगा, और ये बात जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम अपनी रुचि के अनुसार चुनाव कर रहे हो तो उसके प्रति जाग जाए, उसे महसूस करने लगे और फिर रुचियों के पार से सुनना भी घटेगा। प्रारंभिक यात्रा तो रुचि से ही होती है। जब तुम मेरे पास भी आते हो तो आने का पहला कारण यही होता है कि तुम्हें मुझे सुनना अच्छा लग रहा होता है, और तुम्हें मुझे सुनना प्राथमिक चरण में इसीलिए अच्छा लग रहा होता है कि वो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व, तुम्हारे अपने किसी मानसिक ढांचे को रुच रहा होता है। लेकिन एक बार जब तुम पकड़े जाते हो फिर तुम्हारी रुचि के बाहर से भी बहुत कुछ आने लगता है। एक बार जब तुम तूफान में फंस जाते हो फिर तुम्हारी रुचि तो अलग पड़ी रहती है, रुचि के अलावा भी बहुत कुछ आने लगता है। लेकिन अगर तुम जागने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हें उसकी परिपूर्णता का, उसकी समग्रता का बोध भी होने लगता है। कई बार तुम्हें अपनी रुचियों का भी ठीक ठीक पता नहीं होता। कई बार रुचियां भी विकसित होती हैं, परिवर्तित होती हैं। व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन जीता है और अनेकों रुचियों के परिवर्तन को देखता है। तुम्हें न जाने कितनी चीजें जो पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती। विकास क्रम में सब कुछ बदलता है। प्रारंभ तुम अपनी रुचि से कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी रुचियों पर बहुत आग्रही होना खतरनाक है। अगर तुम तरल बने रह रहे हो, तुम बहुत रिजिड नहीं हो, तो रुचि के माध्यम से चलना भी तुम्हें समग्र बना सकता है, क्योंकि फिर वो तरलता तुम्हारे जीवन में नई अभिरुचियों को ले आएगा, तुम्हारे जीवन में नए चुनावों को ले आएगा और बहुत कुछ अनजाने आयामों से घटने लगेगा। जीवन इसीलिए विराट है क्योंकि उसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब तुम उन्हें देखते हो तब तुम्हें अचानक पता चलता, हाँ मुझे ये चाहिए था। लेकिन जब तक तुम उसे नहीं देखते हो तुम्हें पता नहीं होता कि हाँ मुझे ये चाहिए था। एक सद्गुरु का काम यही है कि तुम्हारे भीतर की उस प्यास के अनुकूल तुम्हारे सामने बहुत सारी बातें रखे और तब तुम अपनी नींद से जाग कर, चौंक कर हर बार कह सको कि हाँ यही है, मुझे जो चाहिए था वो यही है। बदलाव घटेगा और सद्गुरु की कुशलता भी इसी में है कि वो तुम्हारे बदलते हुए ढंग के साथ अपनी बातें तुम्हारे सामने लाता है और तब तुम्हें ज्ञात होता है कि अच्छा मैं तो सोचता था कि मैं ये चाहता हूं लेकिन सचमुच में तो मैं ये चाहता हूं। गहरी से गहरी प्यास प्राणों में तुम्हारे अपनी परिपूर्णता को उपलब्ध होने की है।
लेकिन ये परिपूर्णता की झलक जैसे जैसे तुम्हारे सामने आती है, वैसे वैसे ही उसकी पहचान तुम्हारे भीतर उठती है। तो इस बारे में बस एक ही सूत्र है कि अपनी रुचियों की फिक्र तो करें, उनके अनुसार चलें, तो रुचियों को छोड़ना भी तुम्हारे लिए बड़ा लाभकारी नहीं होगा, लेकिन उनमें हमेशा तरल रहें, उस पर बहुत पकड़ ना बनाएं, थोड़ा लूज रखें, थोड़ा ढीला रखें उसे। जब तुम प्रश्न पूछो तो तुम किसी भी उत्तर के लिए तैयार रहो। कई बार तुम प्रश्न पूछते हो और तुम्हारे भीतर उत्तर की भी तैयारी होती है कि ऐसा उत्तर दिया जाएगा तो तुम बड़े प्रसन्न होगे। और जब भी तुम्हारा सिर हिलता है तो तभी हिलता है जब तुम्हारे मन के अनुकूल उत्तर दिया जा रहा होता है, अन्यथा तुम्हारा सिर हिलता भी कैसे, तुम्हें पता भी कैसे चलता कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब तुम्हारे मन के पार से उत्तर दिया जाता है, तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है, तुम स्थिर हो जाते हो, तुम अवाक रह जाते हो, तुम्हारी आँखें स्थिर हो जाती हैं, तुम्हारी पुतलियाँ थोड़ी फैल जाती हैं, तुम्हारे रोम रोम में सिहरन दौड़ जाती है और बस तुम सुनते रह जाते हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। प्रतिक्रिया करने का अर्थ है कि तुम पहले से ही ये सोच कर चल रहे थे। कुछ लोग मुझे भी सुन रहे होते हैं तो कई बार वो एंटीसिपेट करते हैं और मैं देखता हूँ पीछे वो जो सेंटेंस में आगे बोलने वाला हूँ उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं उनका मुंह देख लेता हूँ कि ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अब मैं ये सेंटेंस बोलूँगा, तो फिर मैं तुरंत ही कहीं और चला जाता हूँ और तब वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम एंटीसिपेट करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं कि तुम सिर हिलाओ, तुम थोड़ा सा खुलो, अवाक होने की तैयारी करो, थोड़ा विस्मित होने की तैयारी करो, रुचियों का सम्मान करो, लेकिन उन्हें सीढ़ी की तरह से उपयोग करो, मंजिल की तरह से नहीं। मंजिल पर जाने की सीढ़ी है और जब मंजिल पर पहुंच जाओ तो तुम सीढ़ी छोड़ सकते हो, तुम सारी रुचियां अभिरुचियां छोड़ सकते हो। ऐसे कोशिश करें।